हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन बाय मी शिप्रा। और मैं हूँ शिप्रा। गाइस, ये मैंने कोकोनट से बनाया है बॉडी बटर। इसमें कोई भी मैंने शिया बटर या कोका बटर नहीं मिलाया है। ये एकदम दो ही इंग्रेडिएंट से ये बॉडी बटर बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। ये बहुत ही अच्छा ये बॉडी बटर बना है, या बॉडी लोशन भी इसको कह सकते हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने कोकोनट लिया है, ये गरी है नारियल जिसको कहते हैं, इसको मैंने सूखी नारियल इसको मैंने रात में काट कर इसको धुलकर भिगो दिया था पानी में। पानी में भिगोने के बाद गाइस इसको ओवरनाइट छोड़ना है, और नेक्स्ट डे इसको इसी पानी से डालकर इसको पीस करके इसका मिल्क निकालना है। चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे। पहले मैंने इसको भिगो दिया है, भिगोने के बाद गाइस नेक्स्ट डे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आपको एक मिक्सी का जार लेना है, उसमें ये पानी के साथ आपको ये कोकोनट डाल देना है। डालने के बाद गाइस इसको मिक्सी चलाना है, और चलाने के बाद थोड़ा अगर आपको पानी कम लगता है तो आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। डाल के इसकी एकदम बारीक पेस्ट इसका बना लेना है। अभी देख सकते हैं कि मिक्सी में मैं इसको डाल दूंगी और इसको एकदम बारीक पेस्ट में बना दूंगी। पानी को फेंकना नहीं है, उसी पानी को यूज़ करना है जिस पानी में आपने कोकोनट को ओवरनाइट सोक किया था। इसके बाद इसको पीस करके और मैं इस तरह से इसको छान लूँगी। एक बार आप मोटी जो छन्नी होती है उससे एक बार छान लीजिए इस तरह से, और जो बचता है तो उसको दोबारा भी आप उसको छान पीस सकते हैं। पीसने पर गाइस छानने के बाद एक बार फिर महीन छन्नी से आपको इस तरह से इसको छान करके इसका पूरा मिल्क एक साथ रखना है, और इसको गाइस फ्रिज में रख देना है 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे रखने के बाद क्या होगा गाइस, जितना भी कोकोनट का मिल्क है वो ऊपर की लेयर में आ जाएगा और पानी जितना है वो नीचे रह जाएगा। तो इसको हिलाना नहीं, जब फ्रिज से निकालना है। तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने के बाद गाइस ये मैं फ्रिज से मैंने निकाल लिया। इसको ज़्यादा तेज हिलाना नहीं क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगा। तो ऊपर से आप कोकोनट की जो मिल्क है और मलाई है वो निकाल लेंगे, और अभी आप देखेंगे कि ये पानी नीचे ही रह जाता है और बस ऊपर ऊपर ये क्रीम रहती है। तो गाइस क्रीम लेने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको चम्मच से या ब्रिस्कस से इसको अच्छे से फेंटना है, और जितनी आपको क्रीम बनानी है उतना ही आपको इसको यूज़ करना है। तो आप गाइस देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से इसको फेंट लूँगी। फेंटने के बाद गाइस आपको इसके अंदर गाइस इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स कर 30 से 40 सेकंड आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गाइस आप या तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी इसमें डाल सकते हैं, या तो फिर आप इसमें मार्केट का कोई भी एलोवेरा जेल इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एलोवेरा जेल मैंने 1 से 2 चम्मच मैं लूँगी, और जिस हिसाब से मुझे इसको थिक रखना है उसके अकॉर्डिंग मैं लूँगी। इसके बाद गाइस इसको अच्छे से मिक्स करना है, धीरे धीरे हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करना है। गाइस आप चाहिए तो आपका अगर मन हो तो इसमें कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की डाल सकते हैं, जिससे प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगी। बट मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुझे और इसको पतला करना है, या तो अगर आपको और थिक करना है तो आप एलोवेरा जेल और मिला सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा पतला रखना है तो आप इसमें कोकोनट मिल्क जो है वो आप थोड़ा सा ऊपर से और डाल सकते हैं, और वो अपने अकॉर्डिंग आपको इसको करना है पतला या गाढ़ा। और गाइस इसको फिर एक साफ कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और उसके बाद आप कोकोनट मिल्क तो गाइस आपको जब बनाना है तो आप इसको बना के फ्रिज में रख दीजिए, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप फ्रेश बैच इसका बना लीजिए। तो बार बार आपको कोकोनट मिल्क बनाने की झंझट नहीं रहेगी, और ये आप इसको फ्रिज में या नॉर्मल आप बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बाहर स्टोर करने के लिए आपको 1 से 2 बूंद इसमें एसेंशियल ऑयल कोई से भी आप डाल सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ इसको फ्रिज में ही मैं रख देती हूँ। जैसे अभी ठंड का सीजन है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गाइस इसको एक साफ कंटेनर में मैं इसको रख दूंगी। और गाइस इसको लगाने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, चिपचिपी बिल्कुल नहीं लगती है। तो आप इसको बॉडी किट में यूज़ करिए, आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट फेस के लिए आप एक बार इसको पैच जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी चीज़ आप चाहे जितनी अच्छी हो नेचुरल हो, बट आपको एक बार पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उस पर रैशेज वगैरह आ जाते हैं और दाने भी निकलने का डर होता है। तो एक बार पैच टेस्ट जरूर होता है करना। और गाइस इसको लगाने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है, और इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गाइस अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें शाइन है। इसमें अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो इसमें कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की आप डालेंगे, उसके साथ थोड़ा बादाम का ऑयल भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप इसको बनाइए और इसको यूज़ करिए, और एक बार पैच टेस्ट जरूर करिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और गाइज अगर आपका सब्सक्राइब बटन अगर रेड है तो प्लीज़ उसको टच करके ग्रे कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।